नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नगरपालिका चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है, प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं। हम वॉइस ऑफ एमपी की टीम इसी सिलसिले में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों से मिलकर उनकी चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 7 के कांग्रेस ई की प्रत्याशी के प्रतिनिधि सुमित्रा मुकेश जी पोरवाल के पति मुकेश जी पोरवाल। आइए बात करते हैं उनकी चुनावी रणनीति क्या है। क्या समस्या है मुकेश जी आपके वार्ड में? इंदिरा नगर में अनेक समस्याएं हैं, सड़कों का निर्माण करना, बाग बगीचों का डेवलपमेंट करना एवं समय पर जनता को पानी उपलब्ध हो, ये हमारी प्रमुख समस्याएं भी है जिनको हम समाधान करने के लिए सरलता से उपलब्ध रहेंगे, ये हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। आपका चुनावी एजेंडा क्या रहेगा? क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हो, मतदाताओं को हमें ढूंढना न पड़े, हम मतदाताओं के घर एक वोट हमें मतदाता देगा, हम उसको 365 दिन 5 साल उपलब्ध रहेंगे। एक और बात ये थी कि आप अपने वार्ड के लिए कोई खास विजन आपने सोच रखा हो, कोई खास बात सोच रखी हो? इंदिरा नगर में जो डेवलपमेंट बगीचे का हुआ है, इसी प्रकार एक निर्माण और बगीचे का हम लोग करेंगे जिससे कि क्षेत्र की जनता को शाम को सरलता से घूमने में आसानी हो। मुकेश जी, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है नगरपालिका में, हर काम के पैसे लगते हैं, हर चीज़ के, चाहे राशन कार्ड बनाना हो, निर्माण अनुमति, नामांतरण, कोई भी काम कराना हो, वहाँ रिश्वतखोरी का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है नगरपालिका। आप क्या कहेंगे इसके लिए? 2009 से 2014 में स्वयं पार्षद था, शहर का सभापति था, मेरे वार्ड में एक भी नागरिक ने, एक भी जनता ने एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं दिया और नहीं मैंने होने दिया। ये मेरी कार्यशैली से मेरे क्षेत्र की जनता भली भांति परिचित है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नीमच इंदिरा नगर के अलावा भी संपूर्ण शहर में भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, ये मैं आप सबको वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। अभी व्याप्त जो भ्रष्टाचार है इस पर क्या कहेंगे? हम खत्म करेंगे। कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना तो? बिल्कुल, फिर भी लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको नीमच नगर पालिका से बाहर भेजेंगे। क्या आप मानते हैं भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है? कुछ मात्रा में हो सकता है, सब भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं जी, और कुछ कुछ जगह हो सकता है तो उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरा बात ये थी कि पेयजल योजना जो है, अमृत पेयजल योजना, वो सात साल से अटकी पड़ी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, आप लोग क्या करेंगे इस बारे में? आप लोग विपक्ष में थे, इसके लिए क्या किया आप लोगों? संपूर्ण इंदिरा नगर में अमृत पेयजल योजना पहुँच चुकी है घर घर, अभी भी नल समय पर आते हैं, कभी कभी लाइट डिफॉल्टर होने की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं और जो अधूरा काम बचा है उसको भी कांग्रेस का वोट बनेगा तो हम सब मिलकर करेंगे और विपक्ष में रहेंगे तो लड़के कराएंगे जी। दूसरी चीज़ ये थी कि अभी शिवराज सरकार है प्रदेश में और प्रदेश में शिवराज सरकार के होते हुए कांग्रेस का यदि वोट नहीं बनता है तो आप अपने काम कराने में किस तरह से कोशिश करेंगे, क्या आपकी रणनीति रहेगी? नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जो भी निर्वाचित होगा उनको क्षेत्र के विकास के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सुमित्रा के पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि मुकेश जी पोरवाल, हमने उनसे बात की और जाना उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार नगरपालिका में बड़ा मुद्दा है और उसको अंकुश लगाने के लिए वो हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अंकित यादव के साथ अब्दुल अली ईरानी।